दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 12 अगस्त 2023 शनिवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर SSC, DRDO, इंडियन एयरफोर्स और भी अन्य विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि किन किन अन्य विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 12 अगस्त 2023 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है SSC के अंतर्गत। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, मेल फीमेल दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ये भर्ती है। 6000 से अधिक बम्पर वैकेंसी यहाँ पर निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है और लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 30 सितंबर 2023 है। एग्जाम डेट नवंबर या दिसंबर 2023 में है। 21,700 से 69,100 सैलरी है प्रति माह के लिए। 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल OBC WS कैटेगरी के लिए ₹100 एप्लीकेशन फीस आपको जमा करनी होगी। SST PWD फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। SSC.NIC.IN की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है DRDO के अंतर्गत। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर RAC के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसमें पोस्ट है साइंटिस्ट बी जो कि DRDO के अंतर्गत है, साइंटिस्ट बी DST के अंतर्गत है, साइंटिस्ट या इंजीनियर बी ADA के अंतर्गत है, साइंटिस्ट बी ये यहाँ पर CME के अंतर्गत है। टोटल 204 वैकेंसी जिसके लिए यहाँ पर निकली है। बात अगर लास्ट डेट की जाए तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 है। सैलरी 67,700 है प्रति माह के लिए। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30, 33, 35 और 38, 40 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल EWS OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए ₹100 एप्लीकेशन फीस है। SST PWD फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा, गेट स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से भारत के सभी राज्यों से आप अप्लाई कर सकते हो। RAC.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन एयरफोर्स में। भारतीय वायुसेना IAF के अंतर्गत ये भर्ती है। अग्निवीर की पोस्ट है, 3000 से अधिक वैकेंसीज है। लास्ट डेट इसकी बढ़ा दी गई है जो 17 अगस्त की, उसको बढ़ाकर अब 20 अगस्त 2023 कर दिया गया है। एग्जाम डेट 13 अक्टूबर 2023 है। सैलरी की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर के लिए ₹30,000 है, सेकंड ईयर के लिए यहाँ पर ₹33,000 है, थर्ड ईयर के लिए ₹36,500, फोर्थ ईयर के लिए ₹40,000 है प्रति माह के लिए। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 21 वर्ष आयु सीमा है। ₹250 फीस है जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें रिटर्न एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। agnipathvayu.cdec.in पोर्टल से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो निकली झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। कर्मचारी चयन आयोग JSSC के अंतर्गत भर्ती निकली है।
पोस्ट की अगर यहाँ पर इसमें बात की जाए तो इसमें पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और सर्कल ऑफिसर की बात अगर वैकेंसीज की जाए तो टोटल 2025 वैकेंसीज निकली है। ये भर्ती होने जा रही झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम JGGLCCE 2023 के माध्यम से। आवेदन की डेट की बात की जाए तो इसके लिए आवेदन 11 अगस्त से चल रहे हैं, लास्ट डेट 15 अगस्त है, फीस पेमेंट की लास्ट डेट 17 अगस्त है, फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने की लास्ट डेट 19 अगस्त है, करेक्शन की डेट 21 से 23 अगस्त 2023 है। बात अगर सैलरी डिटेल की जाए तो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए 44,900 से 1,42,400 सैलरी है प्रति माह के लिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 19,900 से 63,200 है और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 29,200 से 92,300, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और सर्कल ऑफिसर के लिए 35,400 से 1,12,400 है प्रति माह के लिए। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 35 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है, SC ST के लिए 50 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम से चेन होगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। JSSC.NIC.IN की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है MG नरेगा नागपुर में। यहाँ पर रिसोर्स पर्सन की पोस्ट है, 100 वैकेंसीज निकली है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2023 है। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 50 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको यहाँ पर जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के आधार पर, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। नागपुर महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, nagpur.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 12 अगस्त 2023 शनिवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक आपको सभी भर्तियों के यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।